फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ केक प्रीमिक्स की रेसिपी। बिल्कुल बाजार जैसे जो हमें बाजार में केक के प्रीमिक्स मिलते हैं, वैसे ही प्रीमिक्स आप घर पे बड़ी आसानी से बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं, और जब भी आपको केक का स्पॉन्ज बनाना हो आप बड़ी आसानी से इसे बना सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ दो प्रीमिक्स शेयर करूंगी। एक तो हम बनाएंगे यहाँ पर जनरल प्रीमिक्स, दूसरा हम बनाएंगे यहाँ पे चॉकलेट प्रीमिक्स। उससे भी आप चॉकलेट स्पॉन्ज बड़ी आसानी से घर पर बना सकते हैं और उसकी आइसिंग करके बहुत ही बढ़िया बढ़िया केक बना सकते हैं। तो अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पर ये जनरल प्रीमिक्स बनाया था, उसी से मैंने यहाँ पर ये एक केक का स्पॉन्ज बना लिया है। और इस केक का स्पॉन्ज हमें जनरल प्रीमिक्स से कैसे बनाना है, इसी के साथ हम इसकी आइसिंग करके जो अलग से फ्लेवर का पान फ्लेवर का जो मैंने केक बनाया है उसकी रेसिपी आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए मिलेगी। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो इस जनरल प्रीमिक्स और चॉकलेट प्रीमिक्स को आप 2 से 2.5 महीने तक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर शुरू करेंगे यहाँ जनरल प्रीमिक्स बनाना। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक मिक्सी का जार ले लिया है और इसमें हम डालेंगे ये 1 कप मैदा। मैदा आप यहाँ पर अच्छी सी पैकिंग वाला यूज करिए और जो जार है मिक्सी का वो बिल्कुल ड्राई यानी बिल्कुल सूखा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। तो यहाँ पर मैंने इसमें 1 कप ये मैदा डाल दिया है। जो भी चीजें हम यहाँ पर यूज करेंगे उसे हम ग्राम्स में कितना लेंगे उसकी आपको डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 कप पीसी हुई चीनी। तो नॉर्मल चीनी को पहले मैंने मिक्सिंग जार में डालकर अच्छे से पीस लिया है। तो मैंने यहाँ पे 1/2 कप चीनी का पाउडर डाल दिया है। इसी के साथ हम 1/4 यानी कि 1/4 कप इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर। जो बाहर का हम रेडीमेड प्रीमिक्स यूज करते हैं उसमें भी मिल्क पाउडर डाला जाता है, तो यहाँ पर मिल्क पाउडर आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। अब इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच यानी कि 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर हमेशा आप अच्छी सी पैकिंग वाला ही यूज कीजिए। अब इसमें हम 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल देंगे। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा आप हमेशा अच्छी सी पैकिंग वाला ही यूज कीजिए और बहुत पुराना यूज नहीं कीजिए। तो मैंने यहाँ पे ये बेकिंग पाउडर इस ब्रांड का यूज किया है, आप चाहें तो किसी भी ब्रांड का अच्छी सी पैकिंग वाला यूज कीजिए। 1/2 छोटी चम्मच यानी कि 1/2 टीस्पून हम इसमें बेकिंग सोडा भी डाल देंगे। अब यहाँ पर हम इसमें ये सिट्रिक एसिड डालेंगे जिसे नींबू सद भी बोलते हैं। ये बड़ी आसानी से आपको मार्केट में मिल जाता है। तो यहाँ पर मैंने ये 1/8 टीस्पून है उसकी भी 1/2 से भी कम लिया है मैंने यहाँ पे। अगर ये देखें तो 1 चुटकी यानी कि पिंच के जितना ही हमें इसमें डालना है, इससे ज़्यादा आप ये बिल्कुल भी ना यूज़ करें। ये डालने से आपका जो केक का जो प्रीमिक्स है वो काफ़ी लंबे समय तक ख़राब नहीं होता है। साथ ही यहाँ पर जो केक है उसे फूलने में यानी कि स्पॉन्ज जो हमारा बहुत ही बढ़िया बनता है इसे, क्योंकि ये बेकिंग सोडा के साथ बहुत ही अच्छे से रिएक्ट करता है, इसलिए जो हमारा स्पॉन्ज जो बिल्कुल सॉफ्ट और एकदम फूला फूला बनता है। तो अब हम क्या करेंगे, सारी चीजों को अच्छे से हमें कुछ देर के लिए ग्राइंड करना है, बहुत ज्यादा नहीं, 30 से 40 सेकंड हम इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और आप देख रहे हैं बिल्कुल बढ़िया सा यहाँ पर ये हमारा मिक्स बन गया है। इस मिक्सचर को अभी हमें अच्छे से छानना है। तो यहाँ पर इसे हमें छानना बहुत ज़रूरी है, और जब आप इसे एयरटाइट कंटेनर में भर के रखेंगे और जब भी यूज़ करना है तो वापस से आप इसे एक बार छान लीजिए, क्योंकि हमने इसमें पाउडर चीनी भी यूज़ की है तो उसमें गुटियाँ पड़ सकती हैं, तो इसलिए आप इसे अच्छे से छान कर ही यूज़ करें। तो यहाँ पर मैंने इस प्रीमिक्स को अच्छे से छान लिया है। आप चाहें तो इस प्रीमिक्स में 1 टीस्पून वनीला पाउडर यूज़ करके इसे वनीला फ्लेवर का भी बना के रख सकते हैं स्टोर करके, या फिर इस तरीके से आप नॉर्मली जैसे मैंने यहाँ पे इसमें वनीला फ्लेवर का कोई भी पाउडर यूज नहीं किया है, सिंपली मैंने यहाँ पे ये जनरल प्रीमिक्स बनाया है। इस तरीके से क्या होगा, ये प्रीमिक्स अगर आप बनाकर रख सकते हैं तो जब भी आपको किसी भी फ्लेवर का केक बनाना है उस टाइम पे आप इसमें वो फ्लेवर की एसेंस यूज कर आप केक बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत ही ईजी हो जाता है अगर आपके पास जनरल प्रीमिक्स है, उसमें आपने जैसे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर बनाना है, पाइनएप्पल बनाना है या वनीला बनाना है, उसकी उस फ्लेवर की आप उस टाइम पे उसमें 1 टीस्पून एसेंस यूज कर दीजिए और बहुत ही बढ़िया से उस फ्लेवर का आपका केक बन जाएगा। तो यहाँ पर मेरा ये जनरल प्रीमिक्स बनकर तैयार हो गया। तो चलिए मैं इसे एयरटाइट कंटेनर में डाल देती हूँ और अब हम यहाँ पर बना लेते हैं चॉकलेट फ्लेवर का प्रीमिक्स। तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए मैंने सेम मिक्सिंग जार ले लिया है। इसमें हम 1 कप मैदा डाल देंगे और मैदा भी मैंने जैसे आपको बताया अच्छी सी पैकिंग वाला ही यूज कीजिए। इसी के साथ इसमें हम 1/2 कप चीनी का पाउडर डाल देंगे। नॉर्मल चीनी को मिक्सिंग जार में डालकर पीस लिया है, 1/2 कप पाउडर डाल दिया है चीनी का। इसी के साथ हम इसमें 1/4 कप यहाँ पर डालेंगे मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर आप किसी भी ब्रांड का लें। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर डाल दिया है यहाँ पर। कॉर्नफ्लोर हमेशा आप पैकिंग वाला ही यूज़ करें। साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल देंगे और इसी के साथ साथ हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा।
तो यहाँ पे मैंने इसमें हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा डाल दिया है। अब यहाँ पर इसे हम चॉकलेट फ्लेवर का बना रहे हैं, तो इसमें हम डालेंगे 1/4 यानी कि 1/4 कप कोको पाउडर। कोको पाउडर आप किसी भी ब्रांड का यूज़ करें, लेकिन अच्छी सी पैकिंग वाला ही यूज़ कीजिए। उसी पर डिपेंड होता है कि आपके चॉकलेट जो फ्लेवर का आप केक बना रहे हैं वो उसका फ्लेवर कैसा आएगा और उसका जो कलर है चॉकलेट स्पॉन्ज का वो कैसा आएगा, तो इसलिए अच्छी सी पैकिंग वाला ही यूज़ कीजिए। साथ ही हम इसमें 1 चुटकी ये डाल देंगे यहाँ पर सिट्रिक एसिड यानी कि नींबू सिरप, तो मैंने 1 चुटकी इसमें डाल दिया है। अब सारी चीज़ों को हम वापस एक बार ग्राइंड कर लेंगे, तो यहाँ पर 30 से 40 सेकंड के लिए हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो आप देख पा रहे हैं ये बहुत ही अच्छे से ग्राइंड करने से मिक्स भी हो जाती है हमारी सारी चीज़ें, और इस प्रीमिक्स को भी हम अच्छे से अभी छान लेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पर चॉकलेट का जो प्रीमिक्स बनाया है उसे भी मैंने अच्छे से छान लिया है, और यहाँ पर हमारा चॉकलेट फ्लेवर का स्पॉन्ज बनाने के लिए बिल्कुल बढ़िया से प्रीमिक्स बनकर तैयार हो गया है। इतने प्रीमिक्स आप 1/2 kg का केक बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये चॉकलेट फ्लेवर का भी हमारा स्पॉन्ज बनाने के लिए बिल्कुल प्रीमिक्स तैयार हो गया है। ये दोनों प्रीमिक्स को आप एयरटाइट कंटेनर में डालकर 2 से 2.5 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। आपको इसे फ्रिज में रखने की भी ज़रूरत नहीं, आप इसे बाहर रख कर भी स्टोर कर सकते हैं बड़ी आसानी से। ये 2 से 2.5 महीने आराम से चल जाता है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। लेकिन जो एयरटाइट कंटेनर आप यूज़ करेंगे वो ध्यान रखें कि बिल्कुल ड्राई होना चाहिए जब आप उसमें ये प्रीमिक्स डाल रहे हैं, और जब भी आप प्रीमिक्स को यूज़ करें तो उस टाइम पर आप इसे अच्छे से एक बार छान कर ही यूज करें। तो यहाँ पर हमारी जो ये होममेड प्रीमिक्स से बनकर बिल्कुल तैयार है, आप जरूर बनाइए, आपको ये बहुत पसंद आएंगे। और इस प्रीमिक्स का यूज करके हम केक का जो स्पॉन्ज है वो कैसे बनाएंगे उसके लिए आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो देखनी होगी। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।